फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आपके सामने नजर आ रहे हैं दबंग सलमान खान और सलमान खान की तीन शर्तें हैं रेस 3 के मेकर्स के सामने। यानी कि सलमान खान ने तीन शर्तें ऐसी रखी है जो मेकर्स, जो रेस 3 के मेकर्स, उन्हें माननी पड़ेगी। रमेश सोरेन जो प्रोड्यूसर, उन्हें भी माननी पड़ेगी और डायरेक्टर रेमो डिसूजा को भी माननी पड़ेगी। वो क्या है तीन शर्तें, चलिए मैं आपको बताता हूँ। पहली शर्त ये है कि सलमान ने कहा है कि ये फिल्म को काफी फनी बनाया जाए। फनी किस तरह से, मैं आपको बताता हूँ। पहले और सेकेंड मूवी में आपने देखा होगा अनिल कपूर का कैरेक्टर कहीं ना कहीं मजाक मस्ती लेकर आता है रेस फ्रेंचाइजी में, यानी कि रेस 1 रेस 2 में। तो रेस 3 में अनिल कपूर नहीं है, तो सलमान खान ने अर्ज किया है मेकर्स से और डायरेक्टर से कि यार कुछ ना कुछ जुगाड़ करिए, थोड़ा सा कॉमेडी एलिमेंट ज्यादा डालिए इस फिल्म में ताकि पब्लिक को मजा आए। दूसरा चीज, सलमान ने ये कहा है कि मैं स्टीमी सीन्स कुछ नहीं करूंगा, यानी कि जो किसिंग सीन्स, लव मेकिंग सीन्स होते हैं वो सलमान खान ने मना कर दिया करने के लिए जैकलिन फर्नांडिस के साथ। यानी कि सलमान खान बोलते भैया हमारी फिल्म तो फैमिली फिल्म ही रहेगी, इसमें किसिंग सीन्स वगैरह नहीं रहेंगे। सलमान खान को आपने जब भी देखा होगा वो किसिंग सीन्स नहीं करते। तीसरी और बड़ी चीज, सलमान खान ने ये भी कही है कि इस फिल्म में ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल वगैरह कुछ भी जुड़ा हुआ कोई भी रोल होगा वो करेंगे नहीं। आपको बता दो, खबरों की माने तो एक सीन था जहाँ पे ड्रग डीलर के साथ सलमान खान का एक कुछ सीन था जिसे सलमान खान ने पूरी तरह से मना कर दिया करने के लिए। सलमान ने कहा कि मैं एक गलत एग्जांपल नहीं देना चाहता हूँ समाज पे, लोगों पे जो मुझे फॉलो करते हैं और यंगस्टर्स पे, तो इस तरह का सीन्स मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। तो सीन्स को बदली कर दिया गया है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो सलमान खान कह रहे हैं कि उसके बगैर ही वो किक थी करने के लिए रेडी है। तो ये मेकर्स ने शर्तें मान ली है, यानी कि सलमान खान दबंग अंदाज में जो नजर आएंगे इस थीम में वो कॉमेडी एलिमेंट से भरी होगी, प्यार जरूर होगा, लेकिन ज़्यादा सा एकदम स्टीमी सीन्स नहीं रहेंगे। और सलमान खान बैड तो रोल जरूर प्ले करे, बैड बॉय वाला, लेकिन फिर भी वो सलीके से रोल प्ले करेंगे। ये खबर के बारे में आपकी क्या राय जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए बाय बाय।